डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। सो हाय एवरीवन, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में और बर्फीले वादियों में और हमारा सुंदर गांव यानी बर्फीला गांव विलेज लुआणी में। सो दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग कर चुका हूँ बर्फबारी में, पार्ट वन की तरह, पार्ट टू की तरह, यानी मॉर्निंग के समय अलग ब्लॉग निकाला और डे में यानी आफ्टरनून के समय अलग ब्लॉग निकाला, और अभी इवनिंग का समय हो चुका है। और इवनिंग के समय में भी सोचा था कि मैं जैसे ही दिन में आफ्टरनून के बाद ब्लॉगिंग एडिट करके मैं सो गया था, और फिर सोचा कि शाम तक बर्फबारी रुकेगी और कैसा नज़ारा रहता वो भी ज़रूर दिखाएंगे। बट अभी भी बर्फबारी रुकी नहीं है, मतलब कंटिन्यू सुबह 10-11 बजे से बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी तक बर्फबारी जारी है। और जो आप बर्फ का स्तर देख सकते हैं, करीब करीब एक बहुत ऊपर पहुंच चुका है, इतना बर्फ मैंने शायद इससे पहले बार भी नहीं देखा था, और ये 1 इंच के बराबर तो लगभग। सो दोस्तों, इवनिंग का समय हो चुका है और बर्फबारी का कुछ इस प्रकार का दृश्य बन चुका है, और ये कार पूरी, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है इस बार, काफ़ी आप देख सकते हैं 1 फीट लगभग होने वाला है या हो चुका होगा, ये तो स्केल से नापा जाएगा तभी पता चलेगा। और ये आप देख सकते हैं स्कूटी के हाल, इतने सारे आनंददायक व्यू बन चुका है देवभूमि उत्तराखंड का। और वहाँ पर एक गाड़ी देख सकते हैं, वो भी मतलब अब गाड़ी खाली टायर दिख रहा है क्योंकि वो नीचे का एरिया है और काला काला सब बन चुका है, और लोगों के जो छत का ऊपर का एरिया है, टीन देख सकते हैं, पूरा ढक चुका है। और ये यहाँ तक कि यहाँ ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये कट्टे होंगे। तो चलो, व्यूज़ देख के तो मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और आप देख ही सकते हैं पूरा व्यू जो मेरे गांव का, अब अंधेरा भी छाने लग गया। और घर में मम्मी और वाइफ जी हैं और सिस्टर जो कि दीदी के ससुराल जा रखे हैं क्योंकि परसों पंचमी है, तो पंचमी के उपलक्ष में वो जा चुके हैं, और भाई जो कि श्रीनगर पढ़ाई के लिए जा चुका है क्योंकि उनके विद्यालय खुल चुकी है। तो दोस्तों, बीवी और वाइफ और मम्मी की मांग है कि इस बर्फीले यानी बर्फ़ के समय में कुछ खाने का मन है, तो चलो अब होटल में चलते हैं, पास में ही होटल है, तो वहाँ से जलेबी समोसा जो भी बना होगा वो उन्हें ले जाते हैं, तो फिसले भी ना वहाँ जाएंगे होटल में। तो देखते हैं, हम 3 ही मेंबर्स हैं आज, तो ज़्यादा नहीं, आधा किलो जलेबी से काम चल जाएगा। तो चलो अब होटल में जलेबी लेने जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल चल रही है उसे देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इतने स्लो इसीलिए चल रहा हूँ, फिसलने का पूरा चांस है। आप देख सकते हैं रास्ता कीचड़ कीचड़ भरा बना हुआ है, और बर्फ़ की वजह से कभी भी फिसल सकता है और गिर सकता है, चोटिल हो सकता, तो इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है बर्फबारी में काफ़ी ज़्यादा। चलो आप सीधे रास्ते से होटल में चलते हैं और होटल से सामान लेके घर चलते हैं। व्हाट अ मोमेंट आप देख सकते हैं अब। तो दोस्तों, सो ब्यूटीफुल मोमेंट इन देवभूमि उत्तराखंड, और पूरा बर्फबारी का आनंद मनोज बिष्ट के साथ आप ले रहे होंगे। ओहो वाओ, क्या नजारा है, सो अमेजिंग नजारा देवभूमि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली के हमारे गांव का नजारा खत्म। और ये आ चुका है, तो ये कौन सा कोट पहन रखा है तुमने आज? मैं रेनकोट पहन रखा है, बहुत ठंडा हो रहा है इधर।
अच्छा, बहुत बची बनी रहा ठंड के मारे, हम सुबह से घूम रहे हैं। मनोज भाई तो खैर कमरे से बाहर नहीं है। तो दो साल बाद बर्फ पड़ रही है, इससे पिछले साल नहीं पड़ी थी, इस बार पड़ी है। तो यार दोस्तों बर्फ में इतना आनंद ले रहे हैं, तो यार यहाँ फिसलने का भी डर भरपूर मात्रा में बना हुआ है ना। तो आप यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम इस बर्फबारी में, तो एक छोटा सा लाइक तो ठोकी दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर मारिए, और जो पहली बार चैनल पाए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। गिर गया था यहाँ, फिसलन काफी है। और ये देख सकते हैं छप्पर है किसी का गांव के ही, और इतना बर्फ, वाओ काफी मजा आ रहा है यार। आज तो दिल खुश हो गया मेरा, सुकून इन पहाड़ों में। वाह 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 वाह, हो कितना बर्फ है आज, तो मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। तो चलो चलते हैं होले होले कदमों से बिना गिरे। ओ फिसल फिसल फिसल, फिसल। सो दोस्तों रात का समय हो चुका है, और थोड़ा सा जलेबी, अभी समोसा तो बन रहा है, थोड़ी देर में फिर समोसा लेने आएंगे। एक मीठा सा खूब लेके, यो जलेबी आ चुका है, समोसा नहीं आया। अरे तो रूम क्या कर रखा है इसने ऐसा, ले समोसा बनने भाई थोड़ी देर में होने। सो ये देख तुलसी ऐसे बंदर जैसी बन रखी है। तो ये है जलेबी, और आज तीन ही मेंबर हैं घर में, तो होटल में से जलेबी ला चुके हैं। और तुलसी जल्दी आ जा, तो मम्मी के लिए डाल दो उसमें और हम खाएंगे। झूठे मत लगाओ है। पहले मम्मी को दो। समोसा लेना, थोड़ी देर में जाना पड़ेगा, बन रहा है अभी, तल रहा है। क्या हुआ वे का खाना जी। सो दोस्तों बाहर पर तेज बर्फबारी चल रही है, और रात का समय हो चुका है, बाहर अंधेरा अंधेरा, और जलेबी ये तो समोसा लेना भी जाना है। पहले जलेबी टेस्ट करते हैं एक पीस, देन आई गो। गर्मा गर्म है तो अच्छा हो रहा है। ये तुलसी मैडम, वाओ मजा आ रहा है ना। अब जा जाओ खाने के लिए। सो फाइनली दोस्तों जलेबी खत्म कर दिया तुलसी ने। मैंने थोड़ा सा खाया, इसने ज्यादा खाया, और ये जलेबी तो बची नहीं रखी, अब खत्म हो गया। तो फिर जाते हैं हम समोसा लेने, समोसा तल को नहीं दूंगा मैं। तो दोस्तों आप जाते हैं होटल में, फिर से वहाँ समोसा तल चुका होगा, फिर समोसा का भी एंजॉय लेना है। सो दोस्तों अभी देख सकते हैं बर्फबारी अभी भी जारी है, और रात का समय हो चुका है अंधेरा, और ये फिर समोसा, अभी समोसा जाता हुआ। तो ये देख सकते हैं गाड़ी पूरा, मतलब इसका फ्रंट जो शीशा है ना मिरर, वो पूरा छिप चुका है, और बैक मतलब साइड मिरर तो सही है, और इस मैक्स का देख सकते हैं बैक सी, बैक मिरर और फ्रंट मिरर का हुआ यही हाल और का होगा जो इसका और का है। और अंधेरा पूरा हो चुका है घनघोर, और लोग देख सकते हैं चलते फिरते इवनिंग टाइम पर दुकान में सामान लेने के लिए, कोई कुछ लेने के लिए। तो चलो अब रूम के अंदर चलते हैं। ओहो अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ले हो टेक दिस। सो दोस्तों अभी लाइट जा चुकी है, और ये चार्जिंग वाला बल्ब का लाइट है, वरना फोकस ज्यादा रहता, और ये तुलसी देख रही है मैं इसके सामने समोसा खा रहा हूँ। इसे नहीं दूंगा क्योंकि इसने जलेबी ज्यादा खाया, तो मैं उधर रखा है ऐसा मत, वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे जलेबी नहीं, समोसा नहीं दिया, सॉरी। इसको समोसा उधर वाले रूम पर रखा है किचन पे। आप जाओ निकलो यहाँ से सीधे, उधर जाओ सीधे। वरना मुझे शर्म लगेगी। तो दोस्तों ठंड में
जलेबी समोसा, आप भी खाओ, एंजॉय लो, हम भी खा रहे हैं। और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों फुल एंजॉय ले लिया, बर्फबारी स्नोफॉल होते हुए आपको दिखा दिया वीडियो में, और जो घर वालों ने थोड़ा जलेबी पकौड़ी की मांग रखी थी वो भी उनको खिला दिया है। और अभी लाइट भी आ चुकी है, सबसे बड़ी बात है अभी तक लाइट जा रही थी और मैं किचन में बैठा हुआ था, फिर मैं अपने पुराने वाले रूम पर आ गया। यहाँ पर लाइट कुछ ज़्यादा ही फोकस मारता है, अच्छा लगता है। और बाहर आप पूरा देख सकते हैं अभी भी हल्का बर्फबारी जा रही है, रुकी नहीं है। और दोस्तों कैसा लगा आपको हमारी लाइफ स्टाइल की ब्लॉग, यानी जो भी हमने बर्फ़ में जलेबी खाई, आपको भी खाने का मन कर रहा होगा, काफ़ी मज़ा आपको भी फील हुआ होगा, हमारे खाते हुए आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों हम बस आपको खुश रखने के लिए अपना मनोरंजन, अपने लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं। अगर जिसको बुरा भी लग रहा है तो फिर भी देखें, फिर भी प्यार दें, और जिससे अच्छा लग रहा है तो उसे तो डेफिनेटली लव एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड भी यहीं पर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें वहीं व्यस्त रहें। और इसी तरह बर्फबारी का वीडियोस जो भी आता है और जो भी हमारी लाइफ स्टाइल आती है उसे भरपूर सपोर्ट जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके ही आगे जाएं। तो बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।